हेलो चिल्ड्रन, मैं कंचन अरोरा आज आपको हिंदी लिटरेचर में पार्ट 5 जहाँ चाह वहाँ रहा पढ़ाऊंगी। जैसा कि नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि हम यदि चाहें तो कठिन परिस्थितियों में भी कोशिश करके अपना रास्ता खुद ही निकाल सकते हैं। यदि व्यक्ति के अंदर इच्छा हो तो, यदि व्यक्ति चाहे तो हर राह आसान हो जाती है, कोई भी रास्ता उसे कठिन नहीं लगता। आइए इस पाठ को देखते हैं। यह कहानी है एक लड़की की जिसका कि नाम इला सचानी है, जो कि क्या करती है, कशीदाकारी करती है यानी कढ़ाई का काम करती है। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया भी गया है कि इला के हाथ जो हैं वो काम नहीं करते हैं, वह अपने सारे काम पैरों से ही करती है। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। इस पैराग्राफ में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, जैसे मलमली यानी मलमल का यानी सूती एक कपड़ा, कसूती एक तरह की कढ़ाई होती है, अनूठी मतलब डिफरेंट, अनोखी। इन कठिन शब्दों को हम अपनी कॉपी में, एक रफ कॉपी में भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है। आप इस तरह लिखेंगे और इसको 3-3 बार और लिख सकते हैं। अब इस पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जैसा कि इसमें बताया गया है कि इला ने क्या किया था। इला ने एक साड़ी पर कसूती की कढ़ाई की थी, जिसमें कि उसने क्या बनाई थी, एक बेल बनाई हुई थी और उसके पल्ले पर उसने भरवां टांगों का इस्तेमाल किया था। भरवां यानी कि भरा हुआ, जिसकी वजह से वह बहुत सुंदर लग रही थी। और उसने मलमल के कपड़े में जो इतनी सुंदर सुंदर बूटियाँ बनाई थी, जिसकी वजह से लग रहा था कि मलमल के कपड़े में जैसे जान आ गई हो। साड़ी में जो कढ़ाई की थी उसने, यानी किसने की थी, इला सचानी ने जो कढ़ाई की थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब हम आगे का पैराग्राफ पढ़ें। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी, जैसे यहाँ पर कठिन शब्द है आड़ी तिरछी, जिसका मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आए हो रे। अब इसमें क्या बताया गया है कि शाम को जब सब बच्चे खेलने के लिए बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे शाम को निकलते थे खेलने के लिए, कुछ क्या करते थे, लकीरें खींचते थे, कुछ पत्तों से क्या करते थे, इकट्ठा करके पिटपिटी बजाते थे, यानी पत्तों को बंद करके जो सीटी की तरह हम बजाते हैं, कुछ क्या करते थे, पिट्ठू खेलते थे। पिट्ठू क्या होता है, पिट्ठू एक ऐसा खेल होता है जिसमें छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके एक साथ खड़ा कर देते हैं और उसे एक पत्थर से गिराते हैं। और जब इन सब खेलों से उनका मन भर जाता था तो वो क्या करते थे, झूला डालकर यानी डालियों पर झूला डालकर ऊंचे ऊंचे स्वरों में एक साथ गाना गाते थे कि कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आई हो रे। अब इसके आगे की रीडिंग मैं अगले वीडियो में करूँगी।